गाइज आज इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं बेटनोवाइट एंड क्रीम का। गाइज आज इस वीडियो में हम देखेंगे इस क्रीम को यूज़ करने से आपको क्या क्या बेनिफिट होते हैं और क्या ये क्रीम आपका रंग गोरा करती है, और साथ ही देखेंगे कि इस क्रीम के आपको क्या क्या साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं। आज इस क्रीम के बारे में मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ। गाइज वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए गाइज वीडियो शुरू करते हैं। गाइज सबसे पहले इस क्रीम के प्राइस की बात करते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास आज 25 ग्राम का पैक है और इसका प्राइस है 45 रुपीज़। और ये क्रीम आपको किसी भी मेडिकल शॉप से आसानी से मिल जाएगी या वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से भी जाके आप इसे बाय कर सकते हैं। गाइज इस क्रीम के मेडिसिन कॉम्पोजिशन की बात करें तो इसमें यूज किया गया है बेटामेटासोन वैलेरेट एंड नियोमाइसिन, और इन दोनों ही साल्ट से आपको पता चल गया होगा कि ये एक नॉर्मल क्रीम नहीं बल्कि एक मेडिकेटेड क्रीम है। तो चलिए गाइज बात कर लेते हैं बेटनोवाइट एंड क्रीम के बेनिफिट की। तो बेटनोवाइट एंड क्रीम को यूज किया जाता है स्किन पर हुए इन्फेक्शन और एलर्जी जैसी प्रॉब्लम में। अगर आपकी स्किन पर एक्ने, खुजली और फुंसी जैसी प्रॉब्लम हो चुकी है और अगर आपकी स्किन पर हल्के हल्के दाने निकले हुए हैं जिसे एलर्जी बोलते हैं, तो इन सभी प्रॉब्लम को आपकी स्किन से खत्म करने के लिए इस क्रीम का यूज किया जाता है। गाइज क्या होता है कि कुछ लोग इस क्रीम को फेयरनेस क्रीम के तौर पर यूज करते हैं और सोचते हैं कि ये क्रीम रंग गोरा करने वाली क्रीम है। आपको बता दूं कि इस क्रीम पर ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है कि ये क्रीम आपके स्किन को फेयर करती है। गाइज मैं आपको बता दूं कि ये क्रीम मेडिकेटेड क्रीम है। अगर आपकी स्किन पर एक्ने, खुजली और फुंसी जैसी प्रॉब्लम है तो आप डॉक्टर की सलाह लेकर इस क्रीम को यूज कर सकते हैं। और गाइज मैं आपको एक बात और बता दूं कि इस क्रीम को प्रेग्नेंट वुमेन बिल्कुल भी यूज ना करें। बेटनोवाइट एंड क्रीम के साइड इफेक्ट की बात करें तो इस क्रीम को लगाने से आपकी स्किन पर रेडनेस आ सकती है, और कुछ केसेस में देखा गया है कि इस क्रीम को यूज करने से आपके फेस पर हल्के हल्के बाल उगने लगते हैं। गाइज मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, अगर आपको एलर्जी, दाद, खाज, खुजली जैसी प्रॉब्लम है तो आप बेटनोवाइट एंड क्रीम का यूज कीजिए, और अगर आप इस क्रीम को गोरा होने के लिए यूज कर रहे हो तो इस क्रीम को लगानी छोड़ दो। आपको मार्केट में और काफी तरह की फेयरनेस क्रीम मिल जाएंगी, आप उसमें से किसी को भी यूज कर सकते हो। गाइज आपको इस क्रीम को 15 से 20 दिन से ज्यादा यूज नहीं करना चाहिए। अगर आप इस क्रीम को लंबे समय तक यूज करते हो तो आपकी स्किन को इस क्रीम की आदत पड़ जाती है, और फिर जैसे ही आप इस क्रीम को लगानी बंद करोगे तो उसके बाद आपकी स्किन पर इस क्रीम के साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। गाइज लास्ट में मैं आपसे यही कहूंगा कि इस क्रीम को बिना डॉक्टर की सलाह के आपको यूज नहीं करना चाहिए, और एज ए फेयरनेस क्रीम के तौर पर तो इस क्रीम को बिल्कुल भी यूज ना करें।